और परमेश्वर के लोगों ने कहा, परमेश्वर के लोगों ने कहा, और अपनी जगहों में कृपया बैठ जाइए। अगले आधे घंटे और 45 मिनट जो मैं बोलने वाला हूँ वो आपके जीवन में बदलाव होने वाला है, जो आने वाले कल में आपका बदलाव हो रहा है। क्या आप सुन रहे इसे? आप तैयार है इस बात के लिए? और जिस विषय में बात करने वाला हूँ वो शैतान के राज्य को बहुत तायत से नाश करने वाला है। दोबारा कहना चाहूँगा, जो मैं बात करने वाला है वो बिल्कुल शैतान के योजनाओं को चकनाचूर करने वाला है। क्या इसके लिए तैयार है आप? आप हाथ उठा कर कहिए, पिता मैं तैयार हूँ यीशु मसीह के नाम में। अब मैं सेवा शुरू करने से पहले ये एक प्रचार है जिसके विषय में मुझे गहरा ऐसा एहसास होता है, और जो लोग एयर कंडीशन को संभाल रहे हैं वो देखें कि प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़्यादा ठंडा ना हो जाए, तो बाद में मैं उसे दोहराना ना पड़े मुझे। ये बहुत ही ज़रूरी है समझ जाना आपको। आप और मैं एक युद्ध में है जो हमारे पहुंचने के स्थान के लिए है। हर एक चीज जो आप करते हैं अभी से और इसके आगे, ये प्रभाव करने वाला है कि आप जीतोगे या आप हार जाओगे परमेश्वर के राज्य में। अगर आप हार जाना है तो परमेश्वर आपको ऐसा देखेगा जैसे आप कभी उसके थे ही नहीं। अगर आप हार जाते हैं तो परमेश्वर आपको ऐसा देखेगा जैसा आप कभी अभिषेक किए गए नहीं होंगे। यही बिल्कुल हुआ था राजा शाऊल के विषय में। पहले शमूएल, ऐसा ही हुआ था कि जैसा उसको अभिषेक ही नहीं किया था, जैसा उसको जन्म के समय हुआ था अभिषेक। और देखिए, एक कृपा कीजिए मुझ पर, मैं एक बात कह रहा हूँ। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, जैसे कि मैं जानता हूँ कि आप इस रात को आए हुए हैं केवल चंगाई की आशा रखते हुए, लेकिन याद रखिए कि मुझे आप अनुमति दीजिए कि मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई को पूरा कर सकूं। पर इसके विषय में निराश रहेंगे मैं जानता हूं, क्योंकि आपको चंगाई की आशा है। इसलिए अनुमति दीजिए कि मैं उस बातों को पूरा कह सकूं जिसके विषय में प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। इसके विषय में दुख ना करें। अगर आज मैंने प्रार्थना ना की तो भी कल मैं यहाँ पर दोबारा होने वाला हूँ। इसलिए आज के रात में अगर मैंने आपको प्रार्थना किए बगैर छोड़ दिया यहाँ से, तो आप निराश नहीं होना है, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि जो मैं आज कह रहा हूँ वो आपके चंगाई से ज्यादा जरूरी बात है। लोगों ने कहा आमेन। स्त्री और सज्जनों, मैंने कई प्रचारकों को ऐसे देखा है जो चंगाई के प्रचार किए हैं और अभी वो नर्क में दिखाई दे रहे हैं। अब मैं सोचता हूँ कि आपका ध्यान मैंने खींच लिया है। मैं ऐसे प्रचारकों को जान रहा हूँ जो अभी आज के दिन में नर्क में है, क्योंकि वो नाकामयाब हो चुके। जो बात मैं आज आपको कर रहा हूँ उसे पूरा करने में वो नाकामयाब रहे हैं। The wall between glory and disaster is very thin. जो जगत है महिमा और सत्यानाश, ये दोनों के बीच वाला जो जगत है वो काफी पतला सा ऐसा एक जगह है, पतली सी ऐसी डोर के समान है। कहाँ से ज्यादा ठंडा आ रहा है पता नहीं, ये मुझे विचलित कर रहा है। ध्यान रखे ये दोबारा ना हो कि मैं विचलित होता रहूं। जो सीमा है, जो स्वर्ग और सत्यानाश के बीच वाली सीमा है, वो काफी पतली सी सीमा है। हम सबको एक बड़ा सम्मान दिया गया है, और सम्मान ऐसा है कि हम यीशु मसीह के हैं, और सम्मान ऐसा है कि उसने हमें उसका वचन दिया है, उसके वायदे दिए हैं, कि अगर हम आज्ञा पालन करेंगे उसको तो जय हमारी ही होगी। पर दुख की बात है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि कितना शैतान सामर्थी है सच में, और ना ही वो इसके बारे में
सचेत है कि उनका शरीर जीवित है। अब शरीर जो है क्रूस के ऊपर क्रूसित कर दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अवसर है कि शारीरिकता ये क्रूस के ऊपर क्रूसित नहीं रह पाती है। ये बात है कि शारीरिकता क्रूस के क्रूसित होने में से जल्दी से निकल आती है और बहुत जल्दी से निकल आती है। बिल्कुल आप शुद्ध किए हुए जीवन में से शारीरिकता के बेकार जीवन में 24 घंटों के अंदर आप चले जा सकते हैं। अभी आपको बहुत ध्यान से सुनना है। मैंने रहस्य को जाना है क्योंकि इसे मैंने जाना है, चला हूँ मैं इसे। ये बहुत ही कठिन है लेकिन जरूरी भी है। जब मैंने शुरुआत किया था सेवकाई में, एक पुस्तक पढ़ी मैंने, महिला मोर्दे फिलिक ने उस पुस्तक को मुझे दिया था। उस पुस्तक ने मेरे अंदर के प्रकाश को डरा दिया था। वो पुस्तक के अंदर उन विषयों के थे जो प्रचार लोगों ने प्रचार किए थे। उन प्रचारकों ने कुछ बातों को पूरा नहीं कर पाए थे क्योंकि उस महिला ने कहा, अगर तुम सेवकाई शुरू करना चाहते हो तो पहले इस पुस्तक को पढ़ लीजिए। वो पुस्तक एक शिकागो के मनुष्य ने लिखा हुआ था। ये वो मनुष्य था जो मसीही नहीं था। वो एक पत्रकार की नौकरी करता था जो शिकागो ट्रिब्यून नाम से था। उसकी पुस्तक में उसने सारी वो प्रचारकों की सूची रखी हुई थी जिन्होंने प्रचार किए थे चंगाई के आधार पर। वो सूची उन सारे प्रचारकों के नामों समेत थे। जैसे मैंने वो पुस्तक को पढ़ लिया, उस पुस्तक ने मुझे बुरी तरह से डरा दिया था। केवल दो व्यक्ति हैं जिनके विषय में उन्होंने अच्छी बातें लिखी थी, वो है कैथरीन कुलमन और ओरल रॉबर्ट्स। और वो समय ऐसा था कि कैथरीन कुलमन उस समय भी सेवकाई में थी। और मैंने अपने आप से कहा, मैं कौन हूँ ऐसा कि मैं इस बात को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं, कि ये पुस्तक के अंदर की सूची में लिखे हुए प्रचारकों ने नहीं कर पाए हैं। मैं परमेश्वर के पास गया और कहने लगा, हे परमेश्वर, ये तो काफी ही कठिन है। मेरे पत्नी के पिता, उन्होंने कलसियाओं को खो दिया। वो कलसिया खो दिए, बड़ी कलसिया खो दिए, क्योंकि उन्होंने व्यभिचार किया एक स्त्री के साथ। मेरे ससुर जी रॉय हार्दन, बड़ी कलसिया अमेरिका में रही उनकी, और उन्होंने संगम किया एक स्त्री के साथ और उनकी सेवकाई खत्म हो गई। वो दिन जानते हैं जो स्वागत के विषय में था, जो हो रहा था उनके विषय में, जिम स्वागत और जिम बेकर दोनों हर रात के अखबारों में बहुत प्रचलित हो रहे थे। एक रात मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा एक पुस्तक पढ़ रहा था और सुजान मेरी पत्नी मेरे पास थी और काफ़ी ही वो होशियार है, और मैं वो पुस्तक पढ़ रहा था। और मैं और सुजान जानते हैं कि जो चंगाई की सेवकाई हम चल रहे थे वो काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही थी। और मैं पासबान था ओरलैंडो में, एक शुरू की थी कलसिया और शून्य से 10,000 तक बढ़ गई थी 2 साल पहले। तो 2 साल में ऐसा हुआ था, शून्य से 10,000। हमारे जीवन को परमेश्वर ने बहुतायत से आशीषित किया था और मैंने निर्णय लिया था कि मैं बड़ी बड़ी सभाओं को अमेरिका में लेना चाहता हूँ। और परमेश्वर मेरे साथ साफ रीति से बोल रहा था पूरी सप्ताह, वो चंगाई के सभाओं के विषय में उस जगह में। और मैं वह पुस्तक पढ़ रहा था, दूसरी पुस्तक, और सुजान और मैं वो कुछ ऐसे मसीह पुस्तक पढ़ते थे। और देखिए, मैंने कोई ऐसे दूसरी पुस्तक नहीं पढ़ी जो मसीह के अलावा, और केवल मसीह और मसीह के विषय में। और हम यहाँ पर पढ़ रहे थे पुस्तक एंड्रयू मोरे के विषय में, और जो पढ़ रही थी जिम गियोन के विषय में, जो फ्रांस के जगह में काफी ही प्रचलित थी, वो सामर्थ्य थी। और सुजान ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, क्या आप बिल्कुल जानते हैं जो आप करने जा रहे हैं बड़े सभाओं के विषय में? रहस्यवादी थी वो फ्रांस की जिम गियोन, जिसकी पुस्तक मेरी पत्नी पढ़ रही थी, और अचानक से मुझे देख कर पूछने लगी, क्या तुम जानते हो तुम जो करने जा रहे हो जो चंगाई की बड़ी सभा?
और वो कहने लगी कि देखो बेनी, जब तुम शुरुआत करने से पहले क्या तुम जानते हो कि आप उसे पूरा भी कर पाओगे? और उसने कहा कि मेरे पिता जिम स्वागत ने किया और फिर जिम बेकर ने किया और अभी आप करने जा रहे हैं, क्या आप जानते हैं इस बात को? और मैं ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे कि मुझे उसका प्रश्न समझ में नहीं आया। और हम ऐसे रहते हैं कि स्त्रियों की बातों को इस तरह से झटक देते हैं कि जैसे आप मुझसे ये बातें मत करो महिला। सुजान फिर ऐसे बोलने लगी कि देखो बेनी, तुम जो शुरुआत कर रहे सेवकाई उसमें अगर तुम गिर गए तो तुम मुझे भी और बच्चों को भी सत्यानाश कर दोगे, यही था वो उसने कहा। और उसने कहा कि मैं इस कीमत को पूरा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम जाना चाहते हो, सेवकाई करना चाहते हो दुनिया भर में, तो वो आपका व्यापार है, वो मेरा नहीं है। इस तरह से वो बात करती है, बिल्कुल बिल्कुल वो निडरता से, बिल्कुल बिना डरे ऐसे बात करती है वो। देखिए ये ऐसे महिला होते हैं कि बिल्कुल वो बेरोक टोक बात करना जानती है, बहुत ही सच्चे हृदय की होती है वो, उनको बातों नहीं खेल में मजा नहीं आता है। उसने कहा कि बेनी, तुम बड़े सभाओं को लेने के लिए जा रहे हो, उससे पहले अब बेहतर होगा कि आप एक बार इस बात को सोच लो, अगर आप पाप में गिर गए तो क्या हो जाएगा। वो कहने लगी कि अगर तुमने पाप किया तो हम खतरों में पड़ जाएंगे। उसने कहा कि तुम मुझे सत्यानाश करोगे, तुम बच्चों को सत्यानाश करोगे, हमारे भविष्य को सत्यानाश करोगे, आपको इसकी खातरी है कि आप इसे पूरा कर पाओगे? बड़ी ही कठिनता की बात थी ये, 1990 की बात थी, फरवरी के 1990 की बात, बिल्कुल एक महीने पहले की बात थी वो सभाओं के शुरू होने से पहले, और आप थे मेरे साथ जिम और फिनिक्स के अरोजना में, ये सभा की बात थी। उसके बाद दूसरा, और मैं जानता हूँ, याद करता हूँ उसे, और लोग जानिए कि मैं डर रहा था और बिल्कुल डरा दिया था मुझे इन बातों ने, और मैं प्रभु के पास गया और मैं प्रभु से पूछने लगा कि परमेश्वर प्रभु मुझे इसका जवाब चाहिए, और मैं बिल्कुल ऐसा धारदार नहीं था उस समय, बिल्कुल जोश नहीं था इस स्वरों में, मैंने उससे पूछा कि क्या भरोसा कि मैं इस बात को पूरा कर सकूंगा। फिर मैंने कहा, ये प्रार्थना में मैंने कहा, जिम स्वेगर्ट नहीं कर पाए, क्या गारंटी है कि मैं ये कर पाऊंगा? मैं ये प्रार्थना में बोल रहा था, और आप जानते हैं कि जब हम दीवारों के पीछे प्रार्थना कर रहे थे बिल्कुल ही गलत तरीके से हम रहते हैं उस समय, जानते हैं इस बात को। और मैंने कहा, देखो प्रभु परमेश्वर, जिम बेकर नहीं कर पाए, क्या गारंटी देते हो कि मैं ये कर पाऊंगा? और अगर रॉय हेडन नहीं कर पाए तो क्या गारंटी है कि आप बोलेंगे कि मैं कर पाऊंगा ये? मैंने सुना कि पवित्र आत्मा मुझसे बात किया उस रात को, बिल्कुल साफ सुनने में बात किया, बिल्कुल सुनने के साफ सुरों में बोला उसने। दूसरा इतिहास 26:5 मैंने बिल्कुल साफ तरीके से सुना उसे, दूसरा इतिहास 26:5। कुल जल्दी जल्दी से मैं गया भागता हुआ और मैंने बाइबल को खोला उस समय, जितने समय तक, जब तक वो प्रभु को खोजता रहा, जितने समय तक, जब तक वो प्रभु को खोजता रहा, परमेश्वर ने उसको समृद्धि होने के लिए सहायता की। कल्पना कीजिए कि परमेश्वर इस तरह से आपको बात करना चाहता है और बात करता है। उस समय तक जब तक वो खोजता रहा, परमेश्वर ने उसको समृद्ध होने में सहायता की। मैंने इसके विषय में प्रचार करना शुरू किया। क्या मैं इसके विषय में स्पष्टवादी रह सकता हूँ आपसे? आप बताइए कितना ज्यादा मैं इसके विषय में स्पष्टवादी हो सकता हूँ? क्या मैं बेरोक टोक ऐसे बात कर सकता हूँ? आप बताइए हाथ उठाकर। मैंने इसके विषय में प्रचार करना शुरू किया कि प्रार्थना, केवल प्रार्थना आपको बचाती है। और देखिए, ये प्रचार करते वक्त में ऐसा था कि जिमी स्वागत ने मुझे उसके घर पर बुला लिया। उन्होंने कहा, देखो तुम्हारा कोई प्रचार काम नहीं कर रहा है। उसने बोला, देखो मैंने रोया, मैं पुकारा और मैंने प्रार्थना की और मैंने भीख मांगने जैसे भी प्रार्थना की, लेकिन कुछ काम नहीं किया। मैं अपने घर गया और दुगना रीति से मैं डरा हुआ हो चुका था। और कल्पना करके देखिए कि आप, जिमी स्वागत आपको बुलाता है और आप उड़ान लेके चले जाते हैं और लुजियाना में, और उसने कहा कि देखो बेनी, प्रार्थना तो कुछ काम नहीं करती है। उसके घर में मैं गया था और वो कहता है कि देखो प्रार्थना काम नहीं करती है। और मैं घर में गया और मैंने कहा, देखो प्रभु, वो जिमी के लिए तो काम नहीं किया प्रार्थना, क्योंकि मैंने तो वचन पढ़ा था, जितने समय तक प्रभु की खोज तो खोजते रहोगे, वो तुम्हें समृद्ध होने की सहायता करता है। और देखो जिमी मुझे बुलाता और कहता है कि ये चलता नहीं है, काम नहीं करता है बेनी। मैंने प्रभु से बात कर रहा था और देखो पवित्र आत्मा ने कुछ ऐसे बताया जो मैंने कभी नहीं देखा था। ये है कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि बिल्कुल सच कह रहा है वो, प्रार्थनाएं आपको बचा नहीं सकती है।
देखो वो कह रहा था कि ये वचन ऐसा नहीं कहता है कि प्रार्थना करने से आपको बचाया जाएगा। देखो मैं साफ रीति से बता रहा हूँ, वो प्रार्थना नहीं था, वो था प्रभु की उपस्थिति जो बचाता है। प्रभु का उपस्थिति है, और जब तक आप प्रभु की उपस्थिति को खोजते रहेंगे, देखो वो प्रार्थना नहीं है। इतनी प्रार्थना कर सकते हैं लोग के लोगों के चेहरे फूट जाएंगे, फिर भी नरक में जाते हैं। वो एक प्रार्थना करता है, यहूदी प्रार्थना करता है, बुद्धिस्ट लोग प्रार्थना करते हैं, मुस्लिम प्रार्थना करते हैं, 4 बार दिनों में प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, उसके गिनती से ज्यादा वो लोग प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना के विषय में नहीं है, ये परमेश्वर के पुत्र के विषय में है। जैसे ही उन्होंने जितने समय प्रभु को खोजा, बोलिए प्रभु को खोजा, कहिए प्रभु, कहिए प्रभु, कहिए और एक बार प्रभु। देखिए वचन क्या कहता है कि वो लोग जो प्रभु को खोजते हैं, वो लोग जो प्रभु की बाट जोहते हैं, लोग जो प्रभु की बाट जोहते हैं। और एक प्रश्न करता हूँ मैं लोगों के पास, क्या किसी के पास सेल फोन है? जितने लोगों के पास सेल फोन है हाथ ऊपर उठाइए, और आप बताइए कि जब आपकी बैटरी खत्म हो जाती है सेल फोन की, कितना समय लेता है वो पूरी तरह से चार्ज होने के लिए? पूरी तरह से अगर उसकी बैटरी खत्म हो गई है तो कितना समय? तो आप पर्सनल सोचिए कि आपका जो ब्लैकबेरी या आईफोन जो है, कितना आपको चार्ज करने के लिए उसको समय लगता है? 7 घंटे लगते हैं उसके लिए, बहुत ही ज्यादा है ये, और काफी ही पुराना लगता है ये फोन आपके पास। ठीक है पास्टर, मैं अगली रात को आपके लिए एक ऐसा आईफोन भेज दूंगा, आपने ले लिया? ठीक है, तो कोई है ऐसे जो नया फोन है जैसे आईफोन की तरह? कितना लेता है वो रिचार्ज होने के लिए? वो 4 घंटे। ठीक है, तो मेरे पास जो नया है बिल्कुल आधा एक घंटा लगता है, क्या होता है 2 घंटे भी हो सकता है। चलो किसको जरूरत है ज्यादा जानकारी की? ठीक है, एक प्रश्न करता हूँ, कितना लगता है आत्मा के लिए समय वो दोबारा जीवित होने के लिए? देखिए ये है सवाल, क्योंकि पाप जो अंदर आता है तो हमारा बैटरी मर जाता है। पाप तभी अंदर आता है जब हमारा बैटरी मर गया होता है। शैतान को हमारा सत्यानाश करने का सामर्थ्य तभी मिलता है जब हमारा आत्मिक बैटरी मर गया होता है, क्योंकि वो क्षण, जिस क्षण को आपने आपका आत्मिक ताकत को खत्म हो चुका पाया, वो समय है मुश्किल का आपके लिए। और यही के लिए बाइबल कहता है कि वो लोग जो प्रभु के ऊपर बाट जोहते हैं, बाट जोहते हैं। तो इसके ऊपर मैंने कोई चिकित्सा किया है, देखिए मैंने इसके ऊपर कुछ खोज की है, ब्रॉक, मिस्टर ब्रॉक, मैंने इसकी खोज निकाली कि कितना समय मुझे लगता है जब मैं आत्मिक रीति से ताकत खो चुका हूँ, तो अब दोबारा पूरी तरह से पाने के लिए मुझे कितना समय लगता है। मैंने पाया, वो बहुत ही सुंदर सा ऐसा प्रकाशन रहा मेरे लिए, मैंने पाया। और देखिए आप सब उस स्थिति में हो चुके हैं, जब मेरा डिवोर्स हो रहा था तब मेरा बैटरी काफी नीचे हो चुका था, बिल्कुल मरा हुआ सा हो गया था। मैंने तो ये सोचा था कि मैं मर ही जाऊंगा, इस तरह का नीचे चला गया था मेरा आत्मिक ताकत। ये 2-2.5 साल पहले की बात है, मैंने तो देख लिया था कि मैं मर ही जाऊंगा। मैंने पुकारा हे प्रभु, और मुझे याद आ गया वो पुस्तक के विषय में, और मैंने उसके विषय में प्रभु को कहा, हे प्रभु क्या मैं इससे उभर सकता हूँ, क्या इसमें से मैं जीत कर आगे जा सकता हूँ? और पवित्र आत्मा ने दोबारा उन बातों को मेरे सोच में लेकर आना शुरू कर दिया, वही बातें जो उसने उन सालों में, पुराने सालों में कही थी। वो समय तक जब तक तुम खोजते रहोगे, ये सब कुछ है खोजने के विषय में। फिर एक बार दोबारा मैं चला गया देखने के लिए कितना समय मुझे आत्मिक ताकत को फिर उभर कर लाने में लगता है। और देखिए अचंभित करने वाली बात यह है कि मेरे लिए 2 हफ्ते लगे, 2 हफ्ते और लगातार बैठे रहने में, बाट जोहते रहना, ये रहस्य है उसका। ये उस तरीके का बात नहीं है, प्रभु हे प्रभु मेरी मदद करो प्रभु, ये वो बात नहीं है। ऐसे तो किसी की सहायता नहीं होने वाली है। परमेश्वर ढूंढ रहा है ऐसे मनुष्य को, ऐसे पुरुष को, ऐसे लोगों को, वे लोग परमेश्वर को अनुमति देंगे अपने आप को बदलने के लिए। और वो लोग जो बांट जोते हैं प्रभु के उपस्थिति में, वो ये लोग हैं जो रुके रहते हैं, ठहरे रहते हैं, बैठे रहते हैं,
प्रभु की उपस्थिति में जब जिस समय में प्रभु खुद आपको ताकत से भरना शुरू कर देता है, वो उस समय ऐसा रहता है कि पवित्र आत्मा आपको चार्जिंग करना शुरू कर देता है, वो अपनी ताकत आपको देना शुरू कर देता है। और इसके लिए समय लगता है, हमारे पास वो समय रहना जरूरी है। इसलिए अभी से जब मैं प्रार्थना कहता हूँ तो ये वो नहीं है कि शब्दों को बोलना, प्रार्थना वो है कि अपने गहराई में से आत्मा का आवाज बाहर निकलता है मनुष्य के, और वो कहता है कि प्रभु यीशु, प्रार्थनाओं में पुकार रहे हैं उसको। ऐसा ही कुछ भी आप प्रभु के लिए पुकार सकते हैं। यही वो शुरुआत है जो शुरुआत होती है प्रार्थनाओं के बिनतियों के साथ, और वो बाहरी आंगन में होता है, उस जगह में आप मौजूद होते हैं जहाँ पर आपकी बिनतियों को बोलना पड़ता है आपको। पुराने नियम में ऐसा था कि जो तंबू था वो तीन भागों में विभाग किए गए थे, वैसे ही प्रार्थना ये तीन प्रकाशनों के विषय में है। तीन भाग, तीन पुलपिट के समान है ये। जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा था कि आपकी बिनतियों को आप बोलिए, परमेश्वर के सामने लेकर जाइए, ये शुरू करने की जगह है। लेकिन ये वो जगह नहीं है शुरुआत की जहाँ पर आप जीत को प्राप्त करते हैं। ये उतने ही के लिए जगह है जहाँ पर आप आते हैं और प्रभु को कहते हैं कि ये है मेरी समस्याएं, ठीक है, तो ये मेरी समस्याएं, आइए मेरी सहायता कीजिए। तब एक समय आता है आत्मा के अंदर, वो समय जिसमें से आप पार होकर चले जाते हैं आगे, और वो एक समय रहता है कि आप सब कुछ जो पुकारते हैं वो यीशु को पुकारते हैं। ये कैसे हुआ कि परमेश्वर के साथ का सहभागिता टूट गया था, वो अदन के बगीचे में मर गया था। कौन सी वजह थी वो सहभागिता के मरने की? पाप उसकी वजह थी। क्षण जैसे ही आदम और हवा के हृदय में पाप घुस गया था, वो प्रभु से छिपने लगे थे। प्रभु से छिप जाना मतलब सहभागिता खत्म हो गई है, और प्रभु के अंदर आके छुप जाना, इसको कहते हैं सहभागिता जीवित है। और उन्होंने जो किया वो छिप जाने के लिए शुरू किया। तो ये ऐसा समय रहता है कि हम किसमें छिपते हैं, क्या परमेश्वर से दूर जाके छिप जाते हैं या परमेश्वर के अंदर आके छिप जाते हैं। ये बस दो ही बातें हैं आपको समझने की। अगर हम प्रभु के अंदर जाके छिप गए तो शैतान हमको छू नहीं सकता है, लेकिन वो प्रभु से अलग होकर छुप गए, इसका मतलब उनका सहभागिता परमेश्वर के साथ का खत्म हो गया। परमेश्वर ने आकर पूछना शुरू किया, कहा है तू आदम? अब सहभागिता परमेश्वर के साथ ये रहस्य है जीतने का, वो नहीं कि आप दोहराते रहे आपकी कोई प्रार्थनाओं को। ऐसा है कि आप पुकारते हैं आबा प्रभु और सब कुछ आपके अंदर से उसको पुकारने लगता है, इतना गहरा हो जाता है कि कभी कभी आपके अंदर से कोई शब्द भी पुकारने के लिए नहीं बचता है, जल को पुकारने लगता है। यही शुरू होता है वो पवित्र आत्मा के अंदर, और आप वहाँ बैठ जाते हैं, और वही मैंने किया, बहुत देर तक आप वहाँ बैठे रहते हैं, और वही काफी सालों पुराने मैंने किया था, और उसी में से हमने सेवकाई के अंदर प्रवेश होता है। यही जो बदलाहट है हमारे जीवन में, परिवर्तन है, वो आपको सेवकाई में उतार ले आता है। कि बाट जाने का मतलब है कि आप यीशु मसीह के रूप में परिवर्तित होते जाते हैं, वो आपके अंदरूनी मनुष्य को परिवर्तित करता है, और फिर बाद में आपके भावनात्मक मनुष्य को वो परिवर्तित करता है, और फिर आपके शरीर को परिवर्तित करता है, और फिर आपके इर्द गिर्द के जगहों में आपका परिवर्तन होते रहता है, क्योंकि उस महिमा के कारण जो आपके द्वारा उन चीजों को छू लेती है। ये सब कुछ शुरुआत हो जाता है आत्मा के अंदर, क्योंकि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा है क्योंकि, और आप प्राण नहीं हो क्योंकि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। आपके पास प्राण है और आपके पास शरीर है, लेकिन आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो जो आपके शरीर में रहता है, और आपके पास प्राण है। आपकी सच्चाई ये है कि आप आत्मा हो। आपका आत्मा तभी जीवित होता है जब वो आपके निर्माणकर्ता के उपस्थिति में आता है। प्रभु यीशु की उपस्थिति में आपका आत्मा जीवित हो जाता है। अभी जब आप बाट जोहते हैं प्रभु में, तब आपके लिए सात चीजें होने वाली है। अगर ये सात चीजें नहीं हुई आपके जीवन में, तो आप इसका मतलब मृत हो चुके हैं। मैंने ये अनुभव के अनुसार कहता हूँ जो वचन के ऊपर आधार रखा हुआ है, और बार बार मैंने ये बातों को सहन किया है और समझा है। बार बार ऐसा मुझे अनुभव हुआ है, क्योंकि शैतान ये जानता है अगर आपने ये अनुभव नहीं पाया सहभागिता के मृत्यु होने का, तो आप शैतान के राज्य को सत्यानाश कर देंगे।
और बाइबल बताती है कि वो लोग जो परमेश्वर के ऊपर बाट जोते हैं वो नया करेंगे अपने ताकत को, नया होते पाएंगे। ताकत मतलब आत्मिक ताकत, ये शारीरिक ताकत के बारे में नहीं है। शारीरिक ताकत के लिए आपको कुछ भी और करने की जरूरत है, जैसे खाना, विटामिन खाना या ऐसे कुछ भी जो लोग करते हैं, लेकिन आत्मा में मरे हुए रहते हैं वो। लेकिन परमेश्वर आपके आत्मिक ताकत के बारे में, आत्मिक जीवन के बारे में चिंता करता है, और वो आपका नया ताकत होता जाता है जहाँ पर यीशु मसीह आपके लिए पूर्ण रूप से जीवित और सच्चा हो जाता है, अपने आप से भी ज्यादा। आपको उसके लिए बाट जोने की जरूरत है, उसको पुकारने की जरूरत है, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, घूम घुमा कर जाने वाला कोई रास्ता नहीं है। यही वो कीमत है जो आपको चुकानी है, जो आपको बाट जोड़ना है। कोई ऐसा घूम घुमाओ का और चक्करदार वाला ऐसा कोई किसी के नाम का या किसी भी तरह का रास्ता नहीं है, या दूसरा कोई स्वर्ग नहीं है जिस रास्ते से आप जाकर ये प्राप्त कर सकते हैं ताकत। ये केवल उसके ऊपर बाट जोने से ही आपको प्राप्त होता है। जो पुराना है वो खत्म हो जाता है और नया हो जाता है। केवल यही वो जगह है और यही वो बड़ी कीमत है जो आपको पूरा करना पड़ता है, समय उसमें लगाना पड़ता है, देना पड़ता है, बैठे रहना पड़ता है। आपको आप बैठ जाते हैं, मुंह के बल गिर जाते हैं, घुटनों पर बैठ जाते हैं, सारे जगहों को आप छोड़ देते हैं दिमाग में से, आराधना के गीतों से, संगीतों से आप भर देते हैं अपने वातावरण को और अपने आप को केंद्रित करते हैं यीशु मसीह के ऊपर। कोई परवाह नहीं फिर आप कितने समय तक रुके रहते हैं, 10 घंटे 20 घंटे 30 घंटे, कोई परवाह नहीं करना है आपको। किसे चिंता है, क्योंकि ये तो अनंत काल के लिए आपको करने की जरूरत है। या फिर आप हार जाइए जैसे बाकी जो प्रचारक हार चुके हैं। क्षण जैसे ही आपने बांट जोहना शुरू किया तो पहला जो आपको प्राप्त होगा वो ये है, आत्मिक ताकत की शुरुआत हो जाएगी आपके अंदर, आपके आत्मा की ताकत बढ़ती जाएगी। और वही से शुरू होती है कि आपकी आत्मिक ताकत शुरू हो जाती है बढ़ना। उसी बढ़ोतरी में आप जीतने लगते हैं पाप के ऊपर और शारीरिकता के ऊपर, क्योंकि बाइबल ने ऐसे कहता है कि जो नियम है आत्मा के नियम के अनुसार, ना कि शारीरिकता के, पर आत्मा के नियम के अनुसार, आत्मा के नियम के अनुसार ही मुझे छुटकारा मिलता है, जय मिलता है पाप के ऊपर और शारीरिकता के ऊपर। इसमें आप देखते हैं कि आपका मनुष्यत्व, आपका आत्मा जो एक हो जाता है पवित्र आत्मा के साथ, और वही पवित्र आत्मा आपको ताकत देने लगता है। और जब वो बाट जोह रहे होते हैं आप परमेश्वर के उपस्थिति में, अचानक से आपका जुड़ना हो जाता है और बार बार जुड़ना हो जाता है पवित्र आत्मा में बाट जोहते समय। और यही वो समय रहता है कि आपका आत्मा का ताकत बढ़ने लगता है, लेकिन दूसरे दिन आप इसे छोड़ नहीं देना है। अगर आपने छोड़ दिया इसके दूसरे दिन में, तो आप दोबारा वही स्तर में चले जाएंगे जो हारने वाली स्तर थी, सहभागिता के मर जाने वाला स्तर। और फिर जब दोबारा आएंगे तो आप दोबारा शुरुआत करना पड़ेगा उसी समय से जहां आप सहभागिता खो चुके थे, वहां से दोबारा आपको शुरू करना पड़ेगा। वही बात है, वही समय, वही बात है। देखिए, ये जो है मुझे 2 हफ्ते लगे थे, आपको कितने समय लगेगा इसके लिए मुझे नहीं मालूम, आत्मिक ताकत को दोबारा पाने के लिए। निर्भर करता है कि आप कौन से स्तर में हैं परमेश्वर के संगति में। अगर आप काफी लंबे समय से परमेश्वर की सहभागिता में मरे हुए हैं, तो हो सकता है कि आपको 2 या 3 महीने लगेंगे, काफी जंग पकड़ा हुआ है इसकी वजह से। ये तो मुझे सिर्फ 2 हफ्ते लगे, ये मेरी बात है। तो यहाँ होता है कि आपका आत्मिक ताकत बढ़ने लगता है, और जब आपका आत्मिक ताकत बढ़ने लगता है आपको पहचानने की ताकत आने लगती है, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे आप प्रभु की ताकत को खोने लगते हैं, उपस्थिति को खोने लगते हैं, तो आप अपने अंदर के आत्मा की ताकत खोते हैं, और साथ ही साथ आप पहचानने की क्षमता भी खो देते हैं। और यही कारण हो जाता है कि आप बता नहीं पाते हैं कौन आपसे बातें कर रहा है और क्या हो रहा है आपके साथ, क्या आपका शरीर बात कर रहा है या प्रभु बात कर रहा है या आप दुष्ट आत्मा बात कर रहा है। ना पहचानने की वजह से आप बिल्कुल गड़बड़ी में फंसे रहते हैं। परंतु जैसे ही आत्मा की ताकत आपकी पुनर्जीवित हो जाती है, नई हो जाती है, तो फिर यहाँ पर हो जाता है कि आपकी सुनने की क्षमता तेज हो जाती है और आप पहचान सकते हैं कि आप कहाँ पर हो। और बाइबल उकाब की तरह बताता है कि जो व्यवस्था वर्णन के 32 अध्याय में लिखा है कि जो उकाब इस तरह से ऊंचे चट्टान पर खड़ा रहता है, ऊंचाई पर रहता है वो। बाइबल हमको उकाब की नई मसीह कहलाती है, और हम जैसे ही उकाब की नई ऊंचे चट्टान के शिखर के ऊपर, पहाड़ के एकदम चोटी के ऊपर, शिखर के ऊपर रहते हैं, उकाब वहां पर रुका रहता है और वो हवा की गति को पहचान रहा होता है, उसके आने जाने की सारी क्षमता को वो निहारता रहता है, जांचता रहता है, परखता रहता है।
अब क्योंकि वो ऊंचे शिखर पर चोटी के ऊपर है, इसकी वजह से उसको उसमें झुक जाना है, झुकने से पहले उसमें उसके अंदर अपने आप को दे देने से पहले वो उसे परख रहा होता है, हवा के गति की दिशाओं को पहचान रहा होता है, कौन सी दिशा में उसे अपने आप को दे देना है। और देखिए, ये पहचानने की क्षमता जरूरी है हमारे लिए, और अगर ये क्षमता हम में नहीं है तो हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ मृत हो चुकी है। वो समय जब आपको पहचानना आता है तो वो समय ऐसा रहता है कि ओह ये तो अच्छा है कि मैं परमेश्वर की आवाज़ सुन रहा हूँ। वो लोग जो बार बार सेवक लोगों के पास या कहीं पर जाकर अपने आप के लिए कुछ ना कुछ बातें पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वाद विवाद या कोई प्रकार से अपने लिए मदद लेना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर ये जो सहभागिता है वो मृत हो चुकी है, प्रभु की उपस्थिति उनके अंदर खत्म हो चुकी है। क्योंकि देखिए, जब आपको कुछ सहभागिता प्रभु की उपस्थिति खत्म हुई होती है, तभी आपको जब परेशानी आती है तो आप चाहते हैं कोई लोग मुझसे बात करे, कोई मुझे कहे, कोई मुझे कुछ बताए, मेरे विषय में बताए, मुझे कुछ बताए, मुझे कोई दिशा दिखाए। लेकिन जब आपके पास सहभागिता है, प्रभु की उपस्थिति है, तो आपके लिए शब्द परमेश्वर की ओर से आता है और किसी से आपको शब्द लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सीधे प्रभु से ले लेंगे वचन को, क्योंकि आपकी पहचानने की क्षमता तेज है। अभी तीसरी बात जो प्रभु आपको पुनर्प्राप्ति करके देगा वो आपके आत्मिक ऊंचाई है, जो आपको पुनर्प्राप्ति करके देगा। ऊंचाई के अंदर जो है शैतान की आवाजों को हरा दिया जाता है, वहां पर शैतान की आवाजें जीत नहीं सकती है, उस ऊंचाई में है जो परमेश्वर का सामर्थ्य होता है। क्योंकि बाइबल कहता है कि आप सुन रहे हैं आप मेरी बातों को, मैंने कहा कि आप सुन रहे हैं मेरी बातों को, ठीक है। व्यवस्था विवरण के 42 अध्याय के 13 वचन कहता है, वो कहता है कि उसने ऊंचे ऊंचे रास्तों पर से उसे चलाया है। ऊंचे जगह क्या है? वो जगह जहाँ पर शैतान के सारी बातें नहीं रहती है, वहाँ पर शैतान का कोई बातें नहीं रहती है। ऊंची जगह वो है जहाँ पर परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति बहुत ही अद्भुत और सच में रहती है। ऊंचाई पर शैतान का कोई काम नहीं हो पाता है, और यही जगह है जहाँ पर वचन मधु के समान हो जाता है। क्योंकि ऐसा यहाँ ऐसा ही लिखा हुआ है कि उसने उसे ऊंचे ऊंचे स्थानों पर लेकर गया है और उसको चट्टानों में से, पत्थरों में से मधु को खींचने का, मधु को खाने का मौका दिया। यही जगह है जहाँ पर आपको प्रकाशन मिलता है। और देखिए, निचली जगह जो है जहाँ पर सहभागिता मर गई होती है, वहाँ पर आप कितना भी बाइबल पढ़ते रहिए और प्राप्त कुछ नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन ऊंची जगह में जब आप रहते हैं, तब वचन को पढ़ते ही वो करारा सा और मजबूत हो जाता है, और आपके साथ वो उपस्थिति की बातें करता है, प्रकाशन देता है। यही होता है वहाँ पर ऊंचे जगह में। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? तो परमेश्वर आपको पुनर्प्राप्ति करके देता है आपकी ताकत को, और वो पुनर्प्राप्ति करके देता है आपके पहचानने की क्षमता को, और पुनर्प्राप्ति करके देता है आपके ऊंचे स्थानों को। जब आपकी ऊंचाई को प्राप्ति हो चुका है, तब परमेश्वर कुछ अद्भुत अचंभित करने वाली बातें करता है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। वो ऐसा जगह रहता है जहाँ पर आपको वचन तो नहीं, लेकिन आपको अभिषेक जो है महसूस होता है बहुत ही सामर्थ्य के साथ, और वो इतना प्रभाव भरा हुआ रहता है कि आप उसमें से खींच सकते हैं। वो वही मधु है जिसको आप अपने अंदर खींच लेते हैं, वो अभिषेक को खींच लेते हैं। आपका आराधना करना आपके पास लौट आता है, यही है वो आपके अंदर, वो खींच लेना। हम खींच लेते हैं वो समय के अभिषेक को आराधना के द्वारा और स्तुतियों के द्वारा। आराधना और प्रशंसा इतनी सामर्थ्य कि आप जानते हैं कि ये है जगह जहाँ पर आप परमेश्वर की भाषा बोल रहे होते हैं। प्रशंसा इतनी सामर्थ्य है, स्वर्ग की भाषा है, और वो ऐसा सुगंध है जो परमेश्वर को आनंदित करता है। प्रशंसाओं में वो आपको उत्तर देता है, प्रशंसाओं में वो आपके लिए कार्य करता है, प्रशंसाओं में वो उन बातों को भी करता है जिसकी हमें जरूरत है, और उसको वो जानता है। और प्रशंसा वो सुगंध है जो परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर खोजता है, ढूंढता है। स्त्री और सज्जनों, ये प्रशंसा ऐसी जगह है जहाँ पर परमेश्वर निवास करता है। प्रशंसा ऐसा जगह है जो हमको उसके द्वार पर लेकर आता है। प्रशंसा हमको जीत को लेकर आती है हमारे शत्रुओं के ऊपर। प्रशंसा इतनी सामर्थ्य है कि वो गड़बड़ी मचा देती है शैतान के हर जगहों में। और प्रशंसा इतना ही जबरदस्त है कि वो हमारे प्रार्थनाओं को जवाब के रूप में भी लेकर आता है। लेकिन ये प्रशंसा करना बिल्कुल असंभव है जब आपके सहभागिता मृत्यु के अवस्था में है परमेश्वर के साथ में।
तो प्रशंसा केवल वहीं पर होती है जब आप ऊंचाई वाले जगहों में उठा लिए गए होते हैं। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति के लिए बाट जोते हैं तो वही वो कीमत है जो आपको चुकानी है, जो आपको भरनी है, बिल्कुल वही आपको करना है, आपको समय देना है। और वो कहता है कि नज़दीक आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ, मेरे 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 आपके कोई प्रार्थना के घरों में नहीं, आप मेरे पास मेरे करीब आ जाओ, ऐसा परमेश्वर कहता है। वो कहता है मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हारे करीब आऊंगा और मैं तुम्हें पुनर्प्राप्ति करके दूंगा, मेरी उपस्थिति आपके अंदर और जो भी आपने खो दिया है वो सबको मैं पुनर्प्राप्ति करके दे दूंगा। लेकिन तब भी जब आप मेरे पास आएंगे तब भी, ये ऐसी कोई बातों का मांगना नहीं है जो जीवन है या कोई चीजें है या कोई भी सामर्थ की बातें हैं। फिर शैतानी आत्माओं से छुटकारे को पाने की बातें हैं। वो ऐसे लोगों को खोज रहा है जो उसको ढूंढेंगे, परमेश्वर को ढूंढेंगे। वो कहता है कि पूर्ण हृदय से तू मुझे खोज और जब मैं तुझे प्राप्त होऊंगा तब तेरे सारे बंधनों को मैं तोड़ डालूंगा और मैं तोड़ूंगा उसे। जैसे ही आपने समय बिताया परमेश्वर के साथ, वो परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर ताकत बनने लगती है, आपके आत्मा में, आपके प्राण में, भावनाओं में, आपके शरीर में, और आपका शरीर पुनर्जीवित हुआ जैसे ताकत में भर जाता है। अब परमेश्वर आपको पहचानने की क्षमता में तेज कर रहा है और आप समझ पा रहे हैं कि वो क्या कह रहा है, उसके वचन क्या कह रहे हैं, वो क्या कहना चाहता है आपसे उसके वचन के द्वारा, चाहे उसके वचनों के द्वारा हो, चाहे स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, जो भी है सच्चाई में आप पहचान रहे हो उसे। और उन्हीं में से फिर आपको रात को ऐसे सपनों में मिल जाता है, परमेश्वर उसके साथ बात कर रहा होता है और वही एक ताला होता है जो खुल चुका होता है, जो परमेश्वर के साथ आपका मेल हुआ रहता है और वो दरवाजा प्रवेश में आप हो जाते हैं जिसमें एक अद्भुत अचंभित करने वाले आश्चर्य कर्मों के भागों में आप प्रवेश किए होते हैं। और फिर तीसरा जो बात आपको पुनर्प्राप्ति हुआ था वो है आपका पहचानने का क्षमता। अब उसके बाद जो है वो आपके लिए आता है, आपके ऊंचे स्थान। जब पहचानने की क्षमता आ गई, आप ऊंचे स्थान में हो चुके हैं, आपका स्थान पुनर्प्राप्ति हो चुका है, ऊंचा स्थान। और अब जो होगा वो पुनर्प्राप्ति, वो आपको वचनों का पुनर्प्राप्ति होने लगेगा। जो ऊंचे स्थान के बाद में आपका आता है वचनों को प्राप्त करना, ऊंचाई पर अभिषेक का आना आसान हो जाता है। जब वो घना अभिषेक आता है तब कुछ होता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ पर आपके गति का पुनर्प्राप्ति होने लगता है, जो आपने खो दिया होगा वो जल्दी से आपको मिलने लगता है, क्योंकि ऐसा लिखा है कि वो दौड़ेंगे। दौड़ें का मतलब है कि पा लेना, प्राप्त कर लेना। दौड़ना मतलब वो चीजें जो आपने खो दिए, जहाँ पर आपने उपस्थिति को खो दिया था और अभी वो प्राप्त कर ले रहे हैं जहाँ पर उपस्थिति आ चुकी है प्रभु की। और ये अचानक से आप पुनर्प्राप्ति करने लगे हैं जल्दी जल्दी से। और कितने लोग चाहते हैं कि अपने चीजों को जो खो दिए हैं, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति खो दिए थे, वो समय में खो चुके बातों को दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं। कितने लोग हाथ उठाइए। आत्मा के रीति से जो आपने खो चुका है बहुत जल्दी वो आपके पास प्राप्त होने के लिए आ रहा है। और अभी परमेश्वर आपके गति को पुनर्प्राप्त करा के दे रहा है। और जैसे वो पुनर्प्राप्त होता है आपका गति, तब जाकर आप सहभागिता को पुनर्प्राप्त करते हैं उसके साथ की संगति को, वो चलेंगे, ये है सहभागिता। जैसे ही उसको आप पूरा करने लगते हैं तो आपको पता चलता है कुछ तो एक ध्यान खींचने वाला बात होने लगता है। कुछ समय बिताने दीजिए आपके साथ, क्या आप अनुमति देते हैं इसके लिए? मैंने कहा क्या आप अनुमति देते हैं थोड़े समय? और अब ऐसा है कि आपका जो टूटा फूटा जीवन था वो आपका सही होने लगा है। और जैसे ही टूटा फूटा जीवन आपका सही होने लगा है, आपकी ताकत नई हो गई है और अचानक से आपको पता चलता है आपको सुरक्षित जगह मिल गई है। किताब 28 के 7 वचन में देखिए, अपने बाइबल को निकालिए, बिल्कुल जल्दी से निकालिए और पढ़िए। अय्यूब के 28 के 7 वचन ऐसा लिखा है कि जहाँ पर गिदड़ों ने अपनी आंखों से देखा नहीं है, हर जानवरों ने वहाँ पर पाँव नहीं रखा है, ऐसा वो जगह जो सुरक्षा देता है, गिदड़ों की आंखों ने जिसे देखा नहीं है। सोचिए, क्या आप तैयार है शैतान आपको खो दे? क्या आप तैयार है इस बात के लिए कि शैतान आपको खो देने वाला है? बड़ा आशीषित और सुंदर वचन मैं चाहता हूँ इसे, कि किसी पक्षी ने नहीं जाना, किसी गिद्ध ने उसके आंखों से देखा नहीं है, न किसी खूंखार जानवर का पैर पड़ा है वहां पर, किसी पशु ने वहां पर पैर नहीं रखा है। और यह जगह है वो सुरक्षा का जहां पर आपका गंध खो दिया जाता है। मेरी तरफ देखिए, बिल्कुल
वॉल। और ये गीत को आप याद है कि आपको जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, क्यों ऐसा है कि वो हिरनी पानी के लिए हाँफती है? ऐसा है कि वो पानी के हाँफने के कारण ऐसा है कि जैसे ही वो पानी को पा लेगी उसी जगह पर उसका शरीर का गंध खो जाएगा और शत्रु उसको पा नहीं सकेगा। इसी तरह से होता है कि जो शैतान हमारा पीछा करता है वो हमारे गंध को नहीं पा सकता है और वो हमें खोज नहीं सकता है। उसके बाद हमारे गंध को खो देना है ताकि शत्रु हमारा पीछा ना करे। तो वो समय वही है जिसमें परमेश्वर की प्रभु की उपस्थिति हमारे अंदर आती है। बिल्कुल वो समय जब आपने परमेश्वर की उपस्थिति को पा लिया है, शैतान आपको नहीं पा सकता है उसके बाद। और यही कि वो बात कर रहा है बाइबल में वो वचन के अनुसार कि यह जगह ऐसी है, वो ऐसी जगह है कि जिसमें आप छुप सकते हैं, जिसके विषय में किसी पक्षी नहीं जानता है। और इसका मतलब है शैतान नहीं जानता है उस जगह के रास्ते, और ना ही उस रास्ते को गिद्ध की दृष्टि पड़ी है। कोई शैतानी आत्माओं ने वो रास्ते नहीं देखा है, और वही वो जगह का रास्ता किसी बलवंत मनुष्य पशु ने भी नहीं देखा है, सिंह ने नहीं देखा है। शैतान उस मार्ग में उस जगह तक पहुंच नहीं सकता है। आपको स्मरण नहीं है वो वचन जो परमेश्वर के परम प्रधान के उपस्थिति में उसके छाया में बैठा रहता है, वो परमेश्वर के आश्रय में बना रहता है। और उसके विषय में कहूँगा कि वो मेरा ढाल है और वो मेरे छिपने का स्थान है, वो मेरा शरण स्थान है। कोई रोग या महामारी मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। वो अपने स्वर्गदूतों को मेरे ऊपर देगा ताकि वो मेरी सहायता कर सके, मेरी रक्षा कर सके। ऐसा बाइबल बताती है कि कोई खूंखार ऐसा सिंह वहाँ से गया नहीं है। और बाइबल ऐसे बताती है कि वो अपने हाथों को बढ़ाता है और वहाँ पर ऐसे एक जगह बना देता है। तो परमेश्वर ऐसे मार्ग बनाता है जहाँ पर मार्ग नहीं रहते हैं। और अगर आपको फंदे में फंसा गया है तो वो फंदा तोड़ दिया जाएगा, जिसके अंदर शैतान ने आपको फंसाए रखा है वो फंसाया हुआ जगह तोड़ दिया जाएगा। शैतान आपको पकड़ के नहीं रख पाएगा। और अब ये जगह ऐसी होती है कि वहाँ पर केवल पहाड़ों को ऊपर नीचे नहीं कर देता है परमेश्वर, वहाँ पर आपको परमेश्वर सुरक्षा देता है। जहाँ रास्ता नहीं वहाँ पर आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देता है, और पवित्र आत्मा के पानी का झरना आपके अंदर खोलना शुरू कर देता है ताकि आपकी आंखों को दिखाई दे परमेश्वर के आत्मा का बहुमूल्य होना। और जिसमें आपको कैद होने का जो अवस्था था उसके अंदर आपको परमेश्वर की महिमा का उपस्थिति का अनुभव होगा, क्योंकि उसके अंदर प्रभु यीशु ने प्रवेश किया है। और जब प्रभु यीशु मसीह अंदर आ जाता है तो खत्म वहां से दुष्ट आत्मा डरपोकों की तरह भाग जाने लगती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अब ऊंचा स्थान प्राप्त किया हुआ है। अब जैसे ही आपने उसको प्राप्त किया है ऊंचे स्थान को, तो आपने और एक स्थान भी प्राप्त किया है जिसका नाम है भागीदारी, जिसे कहते हैं जो यहेजकेल के 36 अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर के साथ की भागीदारी। ऊंचाई के स्तर पर जाने के बाद का ये भागीदारी शुरू हो जाता है, जिसके विषय में 36:37 में लिखा है यहेजकेल के भविष्यवाणी में, और इसराइल के विषय में इसके बारे में लिखा है। वो बहुगुणित होने के लिए मांगेंगे और परमेश्वर कहता है कि अब हम एक काम में जुट जाएंगे, और उसके लिए कहा है सहमत होना एक कार्य के लिए। तो वो असंभव है सहमत होना जब आप बिल्कुल निचले स्तर पर होते हैं, जहाँ पर सहभागिता मर चुकी होती है परमेश्वर की उपस्थिति की। केवल ऊंचाई पर आप ये सहभागिता को और उसके साथ भागीदारी को प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर आप ये स्तर तक पहुँचे नहीं हो तो आपके लिए अय्यूब के इस किताब में लिखा हुआ मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। अय्यूब की किताब 21 अध्याय का 16 वचन पढ़िए। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर को पुकारना नहीं चाहते हैं। 14 वचन में उसने कहा है कि ये लोग ऐसे कहते हैं कि परमेश्वर तू हमसे दूर हो जा, हमें तेरे मार्गों को जानने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि हमको तेरी जरूरत नहीं है। और ऐसे पृथ्वी के लोग भी हैं जो आज के दिन में परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं चाहते हैं। और देखो उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहती, दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। जो लोग परमेश्वर के आवाज को इनकार करते हैं तो वो लोग अपनी गति को खो देते हैं और वो दिशाओं को खो देते हैं। और देखो वचन कहता है ऐसा कि 17 वचन में कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझ जाता है और उन पर विपत्ति आ पड़ती है और ईश्वर क्रोध करके उनके बांट में शोक देता है। उनके पास प्रकाश नहीं होता है और वो बिल्कुल नाश के लिए छोड़ दिए गए होते हैं। रक्षा उनके ऊपर नहीं रहता है, उनके लिए क्षमा भी नहीं रहता है, उनके लिए परमेश्वर का दया भी नहीं रहता है। और वचन 21 को आप पढ़ेंगे तो उसमें देखा है कि उनके बच्चे भी श्रापित हो जाते हैं। ने देखा जो परमेश्वर के ज्ञान को
धिक्कारते हैं, नकारते हैं, क्या हो जाता है उनकी अवस्था? आपने पढ़ा 14 से लेकर अभी 17-21 तक, ओके? तो यहाँ पर हो जाता है ऐसा, अगर आपने परमेश्वर को छोड़ दिया तो, उपस्थिति को खो दिया तो, कोई प्रकाश नहीं, कोई गति नहीं आपके जीवन में, विपत्तियां घेर लेती है उनको, उनको कोई सुरक्षा नहीं रहता है, उनको बचाने वाला कोई नहीं रहता है, बिल्कुल डरावना ऐसा ये अनुभव है। वो परमेश्वर का दया खो देता है, उनके बाल बच्चों के लिए भी परमेश्वर दया नहीं करता है, कि उसने परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जाना है। और परमेश्वर कहता है कि कोई दया नहीं है उसके ऊपर, कोई दया नहीं, क्योंकि उसने परमेश्वर को के ज्ञान को तुच्छ जाना है, नकार दिया है। ये वचन ऐसा कहता है कि मरने के बाद क्या आनंद मिलने वाला है उसको, इसके अलावा कि बस वो काट दिया जाएगा, इसके बाल बच्चों के लिए भी कोई आशीष नहीं रहेगी उसके बाद। तो देखिए स्त्री और सज्जनों की, ये एक समय है कि आपको अपने बैटरी को पुनर्जीवित करने की ज़रूरत आ चुकी है, वो समय आ चुका है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति का पीछा करने लगे अभी। और यही बात है जो परमेश्वर ने मेरे हृदय के ऊपर आपके लिए आज रखा हुआ है। अगर आपको संजीवन चाहिए, पुनर्प्राप्ति चाहिए, आपको आपकी ताकत की पुनर्प्राप्ति चाहिए, पृथ्वी के ऊपर की सारी चीज़ों में से ज़्यादा महंगी और सर्वशक्तिमान की सामर्थ्य चीज़ आपको चाहिए, तो वो केवल परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर का उपस्थिति आपके अंदर लेकर आ सकता है। केवल वही एक परमेश्वर का वचन है जो ऐसा कर सकता है। नहीं नहीं, देखिए आपको समझना है, प्रार्थना केवल आपको पाप से अलग नहीं कर सकती है, आज़ाद नहीं कर सकती है, ये केवल प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति है जो आपको छुटकारा दे सकता है, आज़ाद कर सकता है पापों में से, नहीं तो आप पाप में से कभी आज़ाद नहीं हो सकते। देखिए यहाँ पर कि आपका शरीर जो है, आपके शरीर को पाप से छुटकारा नहीं दे सकता है, शरीर को छुटकारा नहीं दे सकता है। अगर शरीर के अंदर के पाप और शरीर को आप जीतना चाहते हैं, तो शरीर के साथ शरीर को आप नहीं जिताने के लिए उपयोग कर पाएंगे, आपको जीतने के लिए आत्मा का उपयोग करना पड़ेगा, और आत्मा से ही शरीर को जीता जाता है, शरीर को शरीर से नहीं जीता जाता, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, क्योंकि जो नियम है जीतने का वो आत्मा के अंदर है, जो जिसके अंदर जीवन है, और उसी आत्मा के नियम के कारण हम पाप के नियम में से आज़ाद हो जाते हैं। और देखिए यह सब कुछ है प्रभु यीशु के विषय में, हाथों को उठाएंगे हम और उसके नाम को हम पुकारेंगे, और हम उठाकर अपने आप को उठाकर उसके नाम को पुकारेंगे, यीशु 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 कहेंगे, हम कहेंगे यीशु। और जो इज़राइल के मध्य में रहने वाला महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके अलावा और कौन, आप पुकारिए उसको।